हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बनाएंगे चाट पापड़ी। चाट पापड़ी बनाने के लिए मैंने एक बाउल मैदा का लिया हुआ है, आधा बाउल सूजी का। मैंने एक बड़ा बाउल लिया हुआ है, इसके अंदर मैदा को डाल देते हैं, सूजी को भी। आधी छोटी चम्मच नमक डालती हूँ मैं। मैंने कुछ तेल लिया हुआ है, ये भी डाल देते हैं। अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये इकट्ठा आराम से हो रहा है। एक गिलास पानी का लिया हुआ है, ये थोड़ा थोड़ा करके डालें। मैंने डो लगा के तैयार कर लिया है, बनाना शुरू करते हैं। इसकी लोई बना लेंगे। तो बेलना शुरू करते हैं। मैंने ये बेल के तैयार कर लिए है। मैंने एक चम्मच ली हुई है, इसे ऐसे छेद कर देंगे। इसी पापड़ी फूले नहींगी। मैंने छेद कर दिया है। मैंने एक गिलासी ली हुई है, इसे कट करेंगे। इसका एक्स्ट्रा आटा निकाल लेते हैं। मैंने ये कट कर लिया है, तो फ्राई करते हैं। मैंने गैस के ऊपर कढ़ाई रख ली है, तेल डाल लिया, तेल गरम हो चुका है। तो मैं पापड़ी को डालती हूँ। गैस को मीडियम रखें। तो पापड़ी फ्राई हो चुकी है, बाहर निकाल लेते हैं। मैं दोबारा से डालती हूँ। इनको बाहर निकाल लेते हैं, ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है। मैंने सभी पापड़ी तैयार कर ली। तो मैंने एक उबला हुआ आलू लिया हुआ है, डाल देते हैं। मैं डालती हूँ दही। मैंने हरी चटनी ली हुई है, ये चटनी भी डाल देते हैं। मैंने केचप लिया हुआ है, ये भी डाल देते हैं। मैंने कुछ भुना हुआ जीरा लिया हुआ है, ये भी डाल देते हैं। मैं इसमें कुछ लाल मिर्ची पाउडर डालती हूँ। मैंने ये नमक लिया हुआ है, ये डाल देते हैं। ये चाट पापड़ी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप भी इनको घर पे एक बार जरूर ट्राई करें। मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें।